हेलो दोस्तों, प्रेगनेंसी के पूरे 9 महीने बहुत खास होते हैं। प्रेग्नेंट महिला को अपना विशेष ध्यान रखना होता है ताकि गर्भ में शिशु का विकास सही तरीके से हो सके। इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रेगनेंसी के 1 से 4 महीने तक प्रेग्नेंट महिला को अपना कैसे ख्याल रखना जरूरी है, क्या ख्याल रखना जरूरी है ताकि आने वाले समय में उनको मुश्किल नहीं हो और इन 4 महीनों में उनको किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं हो और शिशु का विकास समुचित तरीके से होता रहे। क्योंकि आपको भी पता है दोस्तों, शुरुआत के महीनों में अगर आप अपना विशेष ख्याल रखती हैं तो आने वाले समय में दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि प्रेगनेंसी के शुरुआत में ही दिक्कत आती है, बाद में कम दिक्कत आएगी। तो शिशु का विकास के लिए जरूरी है कि 1 से 4 महीनों तक अपना विशेष ख्याल रखें। तो क्या करना है आपको ताकि आप भी दिक्कत में नहीं रहें, आप भी स्वस्थ रहें और शिशु के अंग प्रॉपर तरीके से विकसित हो और कोई ऐसी गलतियां आपसे नहीं हो जाए जो आपके गर्भ के लिए नुकसानदेह हो, तो आपको क्या करना है दोस्तों, कुछ मैं आसान टिप्स बताने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आप इन बातों को जरूर मानेंगी ताकि आगे जाके आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो 1 से 4 महीने में आपको क्या करना है वही बता रही हूँ। प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद से ही महिला को अपना इलाज शुरू करवा देना चाहिए। सभी जांच करवानी चाहिए जो डॉक्टर उन्हें सजेस्ट करते हैं। प्रीनेटल विटामिंस का सेवन शुरू से ही कर देना चाहिए। डॉक्टर आपको ऐसी मेडिसिन देती हैं जिससे आपके गर्भ में पल रहे शिशु का समुचित विकास हो, शिशु को कोई दिक्कत नहीं हो, आने वाले समय में शिशु कमजोर नहीं हो, इसके लिए प्रीनेटल विटामिंस दी जाती है जिसका सेवन प्रेग्नेंट महिला को करना बहुत जरूरी होता है। ये शुरुआत के महीनों में बहुत जरूरी है दोस्तों। उसके बाद अपना रूटीन सेट करें। आप खुद देखिए दोस्तों, जब आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई है तब से आप ध्यान देना शुरू कर दी होंगे। अगर आप पहले के ही रूटीन को इधर सेट करेंगी तो आपके लिए काफी दिक्कत हो जाएगा। यानी अपने रूटीन में बदलाव करना बहुत जरूरी होता है। अपनी दिनचर्या सही रखनी होती है, गलत लाइफस्टाइल को बाय बाय करनी होती है। क्योंकि अगर आप पहले के लाइफस्टाइल को जिएंगी तो आपके लिए काफी दिक्कत हो जाएगा, आपके गर्भ में पल रहे शिशु के लिए काफी दिक्कत होगा। उसके बाद 1 से 4 महीनों के बीच प्रेग्नेंट महिला को कभी भी भारी सामान नहीं उठाना चाहिए, झुककर काम नहीं करना चाहिए, पैरों के भार बैठकर कोई काम नहीं करना चाहिए, ये आपके गर्भ के लिए सही नहीं होगा। शुरुआत के महीनों में दोस्तों ज्यादा यात्रा भी नहीं करनी चाहिए, ज्यादा भागा दौड़ी नहीं करना चाहिए, तेजी से सीढ़ियां चढ़ने से बचना चाहिए। पोषक तत्वों से भरपूर डाइट लेना बहुत जरूरी होता है। इन दिनों में खाने की इच्छा कम हो जाती, कई महिलाओं को 4th महीने तक वॉमिटिंग की शिकायत रहती है, कोई भी चीज उनको ठीक नहीं लगता है, कई महिलाएं भूखी रहने लगती है, पर आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों। पोषक तत्वों से भरपूर डाइट लेना बहुत जरूरी है इन दिनों में, नहीं तो आगे जाके आपको दिक्कत हो जाएगा, आप कमजोर हो जाएंगे। 1 से 4 महीनों में कैफीन नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर प्रेगनेंसी के पहले आप 2 बार या 3 बार चाय पीती थी तो अब आपको 1 से 2 बार चाय पीना जरूरी है। उसके बाद ये भी ध्यान रहे दोस्तों कि ज्यादा चाय की पत्ती आपके चाय में नहीं होनी चाहिए। कॉफी का सेवन कम से कम करें, कोल्ड ड्रिंक का सेवन कम करें या नहीं करें तो ये और अच्छी बात है। यानी कि जिस चीज में कैफीन की मात्रा होती है उसका सेवन प्रेग्नेंट महिला को नहीं करना चाहिए। पानी का भरपूर सेवन 1 से 4 महीने की प्रेग्नेंट महिला को करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड की सही मात्रा बनाए रखने के लिए आपको पानी की कमी अपने शरीर में नहीं होने देना चाहिए। एमनियोटिक फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जिसमें आपका शिशु रहता है, उसी में आपका शिशु सुरक्षित रहता है। उसके बाद शारीरिक परेशानियां अगर हो जाए तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए, अपने से कोई इलाज नहीं करें। शारीरिक और मानसिक रूप से अगर कोई बदलाव आपके शरीर में आता है तो इसके चलते आप तनाव में नहीं आए, क्योंकि ये तो आएगा दोस्तों, शारीरिक रूप से भी आएगा और मानसिक रूप से भी आएगा, तो आपको बैलेंस रखना है।
आपको तनाव में नहीं आना, आपको चिंता नहीं करना है। उसके बाद भरपूर नींद बहुत जरूरी है दोस्तों, प्रेग्नेंट महिला को भरपूर नींद लेना बहुत जरूरी होता है। और सोने का सही समय बनाएं, एक टाइम बनाएं सोने का और उठने का, और पूरी नींद लें। उसके बाद व्यायाम करने से बचें दोस्तों, क्योंकि इन दिनों में यानी कि 1 से 4 महीनों में व्यायाम नहीं करना चाहिए, योगा नहीं करना चाहिए। आप चाहें तो मेडिटेशन कर सकते हैं, आपको शांति मिले। उसके बाद जब भी आपको डॉक्टर बुलाते हैं तो रूटीन चेकअप पे जरूर जाना चाहिए, इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। और डॉक्टर जो मेडिसिन देती हैं उसका सही इस्तेमाल सही समय पर करना बहुत जरूरी होता है। तो आशा करती हूँ आपको पता चल गया होगा दोस्तों कि 1 से 4 महीनों में प्रेग्नेंट महिला को क्या क्या ध्यान रखना जरूरी होता है, ताकि उनके स्वास्थ्य पे भी कोई असर नहीं पड़े और ना उनके शिशु का विकास रुके, यानी उनके शिशु का विकास सही तरीके से हो। इसके लिए आपको इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो आशा करती हूँ ये जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।